हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पोको M4 Pro 4G डिवाइस के बारे में और पोको X4 Pro 5G डिवाइस के बारे में। और इन दोनों ही डिवाइस के लिए फाइनली इंडिया में पोको लॉन्चर 4.0 का ऑफिशियल अपडेट है वो यहां पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस अपडेट के अंदर आप लोगों को फीचर है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, चेंजेस है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कंप्लीट दोनों डिवाइस के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी डिवाइस इंडिया में यूज करते हो वीडियो को यहां पर कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप लोगों को यहां पर वीडियो को अभी लाइक कर देना है, बाद में आप लोग यहां पर भूल जाओगे। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहां पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहां पर ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है ना वो यहां पर आएगा तो भी आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इन दोनों ही डिवाइस के बारे में और इसके नए पोको लॉन्चर के अपडेट के बारे में। अब गाइस, आपको कोई एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डिवाइस के अंदर ऑफिशियली ये जो अपडेट है ना वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। उसको चेक करने के लिए सिंपली आप लोगों को अपनी जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और जाना है सिस्टम एप्स अपडेटर। तो यहां पर आप लोगों को पोको लॉन्चर 4.0 की स्टेबल अपडेट की जो यहां पर एपीके है ना वो शो हो जाएगी और अपडेट का ऑप्शन है ना वो सामने यहां पर आ जाएगा। तो जैसे आप लोग उसको अपडेट कर लोगे आपका डिवाइस फाइनली यहां पर पोको लॉन्चर 4.0 के ऑफिशियल अपडेट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर पहली अच्छी बात तो ये है कि आप लोगों को जो बग्स है ना वहां पर काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट है ना वहां पर पोको की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बग्स आपको यहां पर ना के बराबर पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं फीचर के बारे में, लेकिन फीचर के पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस, ये जो न्यूज है ना वो मैंने आपके साथ में पहले यहाँ पर शेयर कर दी थी अपने शहद सेन टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट चेंज है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कुछ यहाँ पर इस तरीके से स्वाइप करोगे तो नया आप लोगों को विजेट्स का जो सेक्शन है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग लग रहा है। तो इस पे अगर आप लोग प्रेस करोगे वॉलपेपर वाला जो सेक्शन है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो थीम की एक कैटेगरी है वो ओपन हो चुकी है, थीम ऐप को आप लोग यूज कर सकते हो और वॉलपेपर है उनको आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। सेकंड जो आपको ऑप्शन मिलता है विजेट्स का, अब विजेट्स तक तो यहाँ पर बात ठीक है, लेकिन विजेट्स है ना वो आप लोगों को यहाँ पर नए देखने को नहीं मिलते हैं, पुराने वाले आप लोगों को यहाँ पर जो विजेट्स है ना वो देखने को मिलते हैं इस अपडेट के अंदर। तो ये जो आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन एक ड्रॉबैक है वो देखने को मिलता है इस अपडेट का, क्योंकि यहाँ पर MIUI की जो सिस्टम लॉन्चर है उसके अंदर आप लोगों को नए सारी विजेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल चुके। और सेकंड आपको मिलता है सेटिंग वाला आइकन, अब आप लोग यहाँ पर देख तो ये सारे आप लोगों को चेंजेस है ना वो देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन का लेआउट है वो 5x6 कर सकते हो, 4x6 तो मैं यहाँ पर करेंटली यूज कर ही रहा हूँ। अगर आप लोग गाइस यहाँ पर मोर पे जाते हो ना तो आप लोगों को एक फीचर है ना वो यहाँ पर मिस देखने को मिलता है और वो है एनिमेशन स्पीड। तो ये जो ऑप्शन है ना वो कई फोन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं है तो आपकी डिवाइस के अंदर एनिमेशन है ना वो देखने को नहीं मिलती है, एनिमेशन एकदम परफेक्टली यहाँ पर वर्क करेगी। बस ये वाला जो फीचर है ना वो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर कुछ डिवाइस के अंदर यहाँ पर नहीं दिया गया है। पोको M4 Pro 4G जो डिवाइस है इसके अंदर आपको ये वाला फीचर है वो नहीं मिलता है। और अगर आपके पास में पोको X4 Pro 5G डिवाइस है और आपको ये फीचर यहाँ पर मिल चुका है तो आपको जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर बता देना है। और गाइज ये यहाँ पर पोको लॉन्चर 4.0 का जो अपडेट है ना वो आगे आप लोगों को और भी बहुत सारी डिवाइस है उनके अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग डिफॉल्ट लॉन्चर है वो देख सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट सेक्शन के बारे में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको लॉन्चर 4.0 का अपडेट का और अबाउट फोन का जो यहाँ पर लेआउट है ना वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और भी आपको कई तरीके के चेंजेस है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जो इनके पास है पोको X4 Pro 5G डिवाइस है
सो उनको एक फीचर है ना वहाँ पर देखने को मिलता है, वो है एनिमेशन स्पीड। अब गाइज अगर आप लोग इसको रिलैक्स्ड में यहाँ पर सेट करके रखोगे तो आप लोग यहाँ पर देख तो आप लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर की या फिर किसी भी एप्लीकेशन की एनिमेशन है ना वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी अगर आप लोग इस ऑप्शन को रिलैक्स्ड में यहाँ पर सेट करके रखते हो। बात कर लेते हैं सेकंड चेंज के बारे में, तो वो आप लोगों को एनिमेशन है ना वो मिलती है बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड पे एक बार क्लिक कर देते हैं और वापस एक बार चेक करते हैं। तो आई थिंक गाइस ये वाली एनिमेशन है ना वो आपको थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा फास्ट देखने को मिल रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से यहाँ पर बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिलता है फास्ट का, तो फास्ट को भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितने चेंजेस है ना वो यहाँ पर मिलते हैं। तो फास्ट पे यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया है और अभी आप लोग देख तो एनिमेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर फास्ट देखने को मिलती है। अब ये मुझे ही लग रहा है या फिर आपको भी यहाँ पर फील हो रहा है तो आप लोग जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि ये वाली एनिमेशन है ना वो आपको यहाँ पर फास्ट मिलती है या फिर नहीं। तो मुझे तो इन तीनों में से सबसे अच्छी जो एनिमेशन स्पीड है ना वो यहाँ पर रिलैक्स्ड की लगी है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ठीक ठाक यहाँ पर एनिमेशन स्पीड है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये मेरी फेवरेट है। अब बात कर लेते हैं और कुछ छोटे मोटे चेंजेस के बारे में, तो मोर के अंदर आप लोगों को जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्लोबल आइकन एनिमेशन, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि अगर आप लोग इसको यहाँ पर ऑन कर देते हो ना, तो एक बार मैंने इसको ऑफ किया है और अभी आप लोग देख तो जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है ना इसकी भी एनिमेशन, तो यार इसकी भी एनिमेशन अभी भी वर्क कर रही है जबकि मैंने ऑप्शन है ना उसको यहाँ पर ऑफ कर दिया है। गाइज ये आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है ना ग्लोबल आइकन एनिमेशन, तो ये वही ऑप्शन है। अगर आप लोग इसको ऑन कर देते हो ना तो यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखा भी गया है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना उनकी एनिमेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, अभी तो एनिमेशन मिल ही रही थी और जैसे मैंने उसको ऑफ किया था तो भी एनिमेशन है ना वहाँ पर मिल रही थी, तो पता नहीं ये यहाँ पर बग है या फिर कुछ और ही है। तो अब बात कर लेते हैं गाइज ये जो अपडेट है ना वो इन दोनों ही डिवाइस के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है, तो बाकी डिवाइस के लिए कब तक आएगा। तो अभी ये जो अपडेट है वो पोको X4 Pro 5G और पोको M4 Pro 4G जो डिवाइस है ना इसके लिए यहाँ पर रिलीज किया गया है, और यहाँ पर कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ के अंदर ये जो अपडेट है वो बाकी के पोको के डिवाइस है उनके लिए भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर गाइज आपको कुछ इस तरीके का प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है वो यहाँ पर पसंद है तो आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वॉलपेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है सहेज वॉलपेपर, तो आपको हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वॉलपेपर है ना वो भी मिल जाएगा और वन क्लिक में आप लोग इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में भी यहाँ पर अपडेट आए तो आप लोगों को वीडियो है ना वो यहाँ पर मिल जाए। अब गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।